दोस्तों आज सीएसके आरसीबी का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों आज के मैच में सीएसके की तरफ से डुप्लेसी ने 8 शतक जड़ा। इसके बाद लास्ट ओवर में आए रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में 37 रन देकर चेन्नई को 100 रनों के स्कोर पर पहुंचा दिया। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में 37 रन ठोके और क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दोस्तों जडेजा ने 28 गेंद और 62 रन की शानदार पारी खेली जिसमें 5 छक्के शामिल थे। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने बैटिंग के साथ कमाल तो किया था। दोस्तों आज के मैच में रविंद्र जडेजा ने और 3 विकेट भी ले लिए और शानदार गेंदबाजी करी। रविंद्र जडेजा ने मैक्सवेल और डिलर जैसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बोल्ड कर दिया। इन्होंने आज गेंदबाजी और बल्लेबाजी और एक रनआउट भी किया जिसका इनको दिखा दिया आज बहुत शानदार ऑलराउंडर है। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी ने ओपनिंग साझेदारी करी। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मैच में 8 शतक लगा कर आए थे, वहीं फाफ डुप्लेसी भी पिछले मैच में 8 शतक लगा कर आए थे। दोनों खिलाड़ी काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे और इस मैच में भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने 25 गेंदों पर 33 रन बनाए जिसमें 4 चौके शामिल थे, वहीं एक लंबा सिक्स भी शामिल था। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने 132 की शेकेट से रन बनाए। चहल ने जेमिसन के हाथों कैच करवाकर ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया और 33 रन के स्कोर पर चलता गया। वही दोस्तों फाफ डुप्लेसी ने पारी को संभाला और 41 गेंदों पर 50 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। फाफ डुप्लेसी ने 5 चौके लगाए, वहीं एक छक्का भी लगाया। फाफ डुप्लेसी ने 121.95 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोस्तों हर्षल पटेल आए और क्रिश्चियन के हाथों कैच करवाकर इनको भी चलता गया। वही दोस्तों तीसरे नंबर पर सुरेश ने बल्लेबाजी करना है। पिछले मैच में इनको बल्लेबाजी नहीं मिली थी लेकिन आज के मैच में इनको बल्लेबाजी मिली और दोस्तों सुरेश रैना ने पहली गेंद से ही ठोकना शुरू कर दिया। सुरेश रैना ने दूसरी गेंद पर आते ही छक्का लगा दिया चहल की गेंद पर। वहीं दोस्तों सुरेश रैना ने पारी के दौरान आज 18 गेंदों में 24 रन बनाए, वहीं एक चौका, वहीं 3 लंबे सिक्सेस लगाए। सुरेश रैना ने 133.33 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोस्तों सुरेश रैना जैसी पहला सिक्स लगाया और अपने आईपीएल करियर में 200 छक्के भी पूरे कर लिए। दोस्तों हर्षल पटेल गेंदबाजी करना है और पडिकल के हाथों इनको कैच करवाकर चलता गया 24 रन के स्कोर पर। दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करना है अंबाती रायडू ने आज के मैच में 7 गेंदों पर 14 रन बनाए। इन्होंने अपनी पारी में एक चौका और इन्होंने एक छक्का लगाया जो सीधा स्टेडियम के पार चला गया। दोस्तों अंबाती रायडू ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हर्षल पटेल गेंदबाजी करना है, इनको भी जेमिसन के हाथों कैच करवाकर रायडू को 14 रन के स्कोर पर चलता गया। वहीं दोस्तों पांचवे नंबर पर बल्लेबाजी करना है रविंद्र जडेजा। दोस्तों जडेजा आज के मैच में अलग ही अंदाज में दिखे, इन्होंने आते ही ठोकना शुरू कर दिया। जडेजा ने अपनी पारी में 28 गेंदों पर 62 रन जड़ दिए जिसमें इन्होंने 4 चौके, वहीं 5 लंबे सिक्सेस लगाए। रविंद्र जडेजा ने 221 की स्ट्राइक रेट से आज के मैच में रन बनाए। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने लास्ट ओवर में बल्लेबाजी करी और लास्ट ओवर फेंकने हर्षल पटेल पर्पल कैप होल्डर उनके ओवर में एक ओवर में 37 रन ठोक दिए जडेजा ने। जडेजा ने पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर छक्का मारा, तीसरी गेंद नो बॉल हो गई उस पर भी छक्का जड़ दिया, चौथी गेंद प्लेट पर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर छक्का और छठी गेंद पर भी चौका लगाकर जडेजा ने 62 रन बना दिए और दोस्तों एक ओवर में 37 रन बनाए और इन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी करी वो है रविंद्र जडेजा। दोस्तों जडेजा ने आज गेंदबाजी के भी शानदार हाथ आजमाया और शानदार गेंदबाजी करी। इन्होंने मैक्सवेल और डीलर जैसे बड़े दिग्गजों को 0 की 5-6 रन के स्कोर पर आउट किया, बोल्ड कर दिया। वे दोस्तों एमएस धोनी 3 गेंद में 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे, 66 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोस्तों आज के मैच में बेंगलोर ने 6 रन एक्स्ट्रा के दिए सीएसके की टीम को जिसमें से 3 वाइड, 2 नो बॉल, 1 लेग बाइक है। वही दोस्तों सीएसके ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए और 9.55 की रन रेट से। दोस्तों आज सीएसके की तरफ से फाफ डुप्लेसी ने पहले ओपनिंग साझेदारी करी, उसके बाद सुरेश रैना ने मिडिल ऑर्डर को संभाला। वही दोस्तों लास्ट में जडेजा है, उन्होंने 62 रन की पारी की बदौलत टीम को 191 के स्कोर पर पहुंचा दिया। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों का विकेट आज के मैच में किस प्रकार गिरे। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स का जो पहला विकेट गिरा वो गिरा था 74 रन पर ऋतुराज गायकवाड़ का जो शानदार पारी खेल रहे थे और 33 रन के स्कोर पर आउट हो गए। वहीं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स का जो दूसरा विकेट गिरा वो गया सुरेश रैना का। सुरेश रैना ने आज के शानदार पारी खेली, इन्होंने अपना 200 छक्के भी पूरे कर लिए आईपीएल में। दोस्तों सुरेश रैना ने 24 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे और तीसरा विकेट गिरा चेन्नई सुपर किंग्स का वो गिरा फाफ डुप्लेसी का जो 50 रन बनाकर 1 8 शतक लगाकर पवेलियन वापस लौटे, बहुत शानदार पारी खेली इन्होंने। वहीं दोस्तों चौथा विकेट अंबाती रायडू का, अंबाती रायडू ने एक ऐसा छक्का लगाया जो सीधा स्टेडियम के पार चला गया। दोस्तों चौथा विकेट गिरा 142 रन के स्कोर पर अंबाती रायडू का। तो दोस्तों अगर बात करते हैं आरसीबी के गेंदबाजों की आज कैसी गेंदबाजी करी, तो दोस्तों मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर डाले, उन्होंने 4 ओवर में 32 रन दिए
और आठ की इकोनॉमी से इन्होंने गेंदबाजी करी। इनको भले विकेट नहीं मिला हो लेकिन गेंदबाजी अच्छी करी। दोस्तों काइल जेमिसन ने 3 ओवर में 31 रन दे दिए और 10.33 की इकोनॉमी से जेमिसन काफ़ी महंगे साबित हुए। इन्होंने 3 ओवर में 31 रन दे दिए। वहीं युजवेंद्र चहल ने 3 ओवर डाले, इन्होंने भी 3 ओवर में 24 रन दे दिए, वहीं 1 विकेट निकाला। दोस्तों इन्होंने 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी। वहीं दोस्तों नवदीप सैनी भी महंगे साबित हो गए, इनको 2 ओवर दिया गया। इनको आज नवदीप सैनी को टीम में शामिल किया गया आरसीबी की तरफ से। नवदीप सैनी ने 2 ओवर में 27 रन दिए, 13.5 की इकोनॉमी से इन्होंने रन खर्च किए। वहीं दोस्तों हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी कर रहे थे 19 ओवर तक, लेकिन 20 ओवर में इनका पूरा नक्शा ही चेंज कर दिया जडेजा ने। हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 51 रन दिए और 3 विकेट निकाले, वो भी 3 विकेट में से बहुमूल्य विकेट निकाले रायडू डुप्लेसी और रैना का। इन्होंने 12.75 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की, जिसमें एक वाइट गेंद फेंकी और एक नो बॉल भी फेंकी। दोस्तों हर्षल पटेल ने आखिरी ओवर में 37 रन दे दिए और आईपीएल इतिहास में जडेजा ने 1 ओवर में 37 रन बनाकर क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिन्होंने 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाए हैं। वहीं दोस्तों डेन क्रिश्चियन को भी 2 ओवर मिले, इन्होंने 2 ओवर में 12 रन देकर 6 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी, एक वाइड गेंद फेंकी। वाशिंगटन सुंदर 2 ओवर में मौका दिया गया, इन्होंने 13 रन देकर 6.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी। दोस्तों आज के मैच में सबसे अच्छी गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों सबसे अच्छी गेंदबाजी हर्षल पटेल की रही, कि 4 ओवर में 51 रन देकर 3 विकेट निकाले। दोस्तों अगर सबसे खराब गेंदबाजी की बात करें वो भी हर्षल पटेल की रही, क्योंकि इन्होंने 1 ओवर लास्ट ओवर में 20 ओवर में 37 रन देकर इन्होंने स्कोर को और आगे पहुंचा दिया। इसके बदौलत इनको खराब गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी भी इन्होंने करी, बाकी सब खिलाड़ियों ने लगभग सही गेंदबाजी करी। जेमिसन तो 3 ओवर में 31 रन देकर ये भी काफ़ी दोस्तों महंगे साबित हो गए। दोस्तों वहीं आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और देवदत्त पड़िक्कल ने पारी की शुरुआत करी। विराट कोहली ने 7 गेंदों पर 8 रन बनाए, उसमें एक चौका लगाया। इन्होंने 114.28 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे। वहीं देवदत्त पड़िक्कल पिछले मैच में शतक लगाने के बाद आज के मैच में भी काफ़ी फॉर्म में दिखे। दोस्तों देवदत्त पड़िक्कल ने 15 गेंदों पर ही 34 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल ली। देवदत्त पड़िक्कल ने 4 तो चौके लगाए, वहीं 2 लंबे सिक्सेस भी लगाए। देवदत्त पड़िक्कल ने 226.66 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोस्तों विराट कोहली को सेम करंट गेंदबाजी करना है और धोनी ने इनको कैच कर 8 रन के स्कोर पर चलता गया। वहीं देवदत्त पड़िक्कल ठाकुर गेंदबाजी करना है और ठाकुर ने सुरेश रैना का हाथों शानदार कैच लपका कर देवदत्त पड़िक्कल को 34 रन के स्कोर पर आउट किया और 200 से चुक गए। वही दोस्तों तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना है वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने 11 गेंदों पर 7 रन बनाए। इनको आज ऊपर मौका दिया गया क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा था। इन्होंने एक चौका लगाया, 63.63 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। जडेजा ने बॉलिंग करी और गायकवाड़ के हाथों कैच करवाकर वाशिंगटन सुंदर को 7 रन के स्कोर पर चलता गया। दोस्तों जडेजा ने मैच का पहला विकेट ले लिया इस प्रकार। वहीं दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल आज 4 पर बल्लेबाजी करने, ग्लेन मैक्सवेल ने 15 गेंदों पर 22 रन की शानदार पारी खेली, इन्होंने 3 तो चौके लगाए। वहीं 146.66 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। दोस्तों रणजी जडेजा गेंदबाजी करना है, जडेजा ने ग्लेन मैक्सवेल को 22 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया और अपने मैच पर दूसरा विकेट हासिल कर लिया। और 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करना है एबी डिविलियर्स, इनसे काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि ये मैच को आसानी से जीता सकते थे, लेकिन इन्होंने 9 गेंदों पर 4 रन बनाए और 44.44 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। जडेजा ने फिर से बॉलिंग करी और रविंद्र जडेजा ने एबी डिविलियर्स को 4 रन के मात्र 4 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया और एबी डिविलियर्स को 4 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। भाई दोस्तों 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करना है डेन क्रिश्चियन, आज इनको मौका दिया गया। दोस्तों डेन क्रिश्चियन ने 3 गेंदों पर 1 रन ही बनाए और रविंद्र जडेजा ने शानदार थ्रो मारा और इनको रनआउट कर दिया 1 रन के स्कोर पर। डेन क्रिश्चियन ने दोस्तों आज के मैच में 33.33 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और जडेजा के थ्रो से ये रनआउट हो गए और 1 रन के स्कोर पर इनको चलता गया जडेजा ने। दोस्तों आज के मैच में इसी तरह जडेजा ने 3 विकेट निकाल दिए और 1 रनआउट किया। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की अब तक की शानदार गेंदबाजी की, कि किसने कितने विकेट लिए और कैसी गेंदबाजी करी। तो दोस्तों सबसे पहले नाम दीपक चहर का आएगा। दीपक चहर ने आज के मैच में 2 ओवर डाले, ये काफ़ी महंगे साबित हो गए। देवदत्त पड़िक्कल ने इनको 2 दिया, इन्होंने 25 रन बना दे दिए और 12.5 की इकोनॉमी से इन्होंने रन खर्च किया और 2 वाइट गेंदें भी फेंकी। दोस्तों सेम करण ने 3 ओवर डाले, ये काफ़ी महंगे साबित हुए, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही बहुमूल्य विकेट विराट कोहली का चटकाया। सेम करण ने 3 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट निकाला और 10 की इकोनॉमी से शानदार गेंदबाजी करी। वहीं दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने आज के मैच में काफ़ी शानदार गेंदबाजी करी, पिछले मैच में फॉर्म में नहीं आने के बाद इस मैच में फॉर्म में आ गए। इन्होंने 2 ओवर में 8 रन दिए और 1 विकेट निकाला, वो निकाला देवदत्त पड़िक्कल का, जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, और 4 की इकोनॉमी से इन्होंने रन दे दिए। वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आज के मैच में 4 ओवर डाले और 4 ओवर में इन्होंने 1 मेडल निकाला, जिसमें से 13 तो रन दिए इन्होंने 4 ओवर में और 3 विकेट भी निकाले और 3.25 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी। दोस्तों पहले रविंद्र जडेजा ने बैटिंग में शानदार योगदान दिया और आज दोस्तों गेंदबाजी के साथ भी इन्होंने एक बहुत ही शानदार योगदान दिया और टीम को जीत के
मुहाने तक पहुंचा दिया। वहीं दोस्तों इमरान ताहिर को आज के मैच में लुंगी एंगड़ी जगह शामिल किया गया। इमरान ताहिर ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट निकाले। इन्होंने 4 की इकोनॉमी से शानदार गेंदबाजी करी और 2 वाइड गेंद भी फेंकी। दोस्तों आज के मैच में रविंद्र जडेजा ने बहुत शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करी, एक शानदार रनआउट भी किया, इसलिए सीएसके आज के मैच जरूर जीतेगी।